शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख शांति आनंद स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मेरा हर सोच मेरे शरीर के हर एक कोशिका में, हर एक सेल में इफेक्ट करता है ना। हमारे शरीर में कितने सेल्स, कितने कोशिकाएं हैं? 70,000 बिलियन से 80,000 बिलियन कोशिकाएं हैं। मेरी हर सोच हर सेकंड को हर सेल में 1,00,000 रिएक्शन उत्पन्न करती है। कितने? 1,00,000 रिएक्शन उत्पन्न करती है। तो अगर मेरी सोच पॉजिटिव हो, अगर मेरी भावनाएं पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर मेरी सोच निगेटिव हो, भावनाएं निगेटिव हो, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएंगी? निगेटिव रिएक्शन हो जाएंगी। निगेटिव रिएक्शन बीमारी को निर्माण करेंगी और पॉजिटिव रिएक्शन हेल्थ को बनाएंगी। इसमें हमारा फायदा है पॉजिटिव सोचने में, पॉजिटिव भावनाएं क्रिएट करने में, इसमें हमारा फायदा है ना। तो परिस्थिति भले निगेटिव हो, लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए एक महावाक्य है ना कि जो हो रहा है वो सोचना नहीं है, जो होना चाहिए वो सोचना है। जो होना चाहिए ने हमको क्या चाहिए? हेल्दी हार्ट चाहिए, मेरा मन प्रसन्न चाहिए, मैं सदा हेल्दी, सारी दृष्टि से हेल्दी चाहिए। तो हमको सोचना भी ऐसा ही है। हमको कभी कभी लगता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये जो हमारे आसपास के व्यक्ति है, ये हमारी सोच को बनाते हैं, ऐसे हमको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है, साइंस विज्ञान यही कहता है कि हर सोच और हर भावना मैं खुद क्रिएट करती हूँ, मैं उसकी खुद निर्माता हूँ। फिर सोच जो भी निर्माण करती हूँ वो मैं करती हूँ। परिस्थिति या व्यक्ति क्या होती है? केवल स्टिमुलेटर होती है। क्या होती है? केवल स्टिमुलेटर होती है। यानी ऐसी निगेटिव परिस्थिति आ गई, वो केवल स्टिमुलेटर हो सकती है, लेकिन सोचने वाला कौन है? मैं, मेरा मन सोचता है। मेरा मन ही सोचने की, इमोशन निर्माण करने की, भाव भावनाओं को क्रिएट करने की फैक्ट्री है। तो मेरे फैक्ट्री की मैं मालिक हूं ना। कौन है मालिक? मेरी फैक्ट्री की मैं मालिक हूं। तो कौन सा प्रोडक्शन करना है कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगी ना कि मेरे फैक्ट्री में क्या बनाना है, पेन बनाना है, पेंसिल बनाना है। मैं मालिक हूं तो मैं डिसाइड करूंगी। और या तीसरा आकर बोलेगा, नहीं तुम बॉल बनाओ ना, बॉल बनाओ ना। तो हम बॉल बनाएंगे क्या? नहीं, मुझे पेंसिल बनानी, मैं पेंसिल ही बनाऊंगी, यानी मेरी फैक्ट्री में यही प्रोडक्शन होगा। ऐसा मेरा मन भी एक फैक्ट्री है, और मेरे फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्शन करना ये मेरा चॉइस है। तीसरा व्यक्ति आकर डिसाइड नहीं करेगा, तीसरी परिस्थिति आकर ये नहीं डिसाइड करेंगे मेरी फैक्ट्री में क्या बनेगा। तो मन मेरी फैक्ट्री है, मेरे मन की मैं मालिक हूं, ये फैक्ट्री के मालिक मैं हूं। तो कौन सी सोच को निर्माण करना, कौन सी भावनाओं को निर्माण करना, ये सर्वस्वी मेरा चॉइस है। तो मैं चॉइस से पर्पजफुली पॉजिटिव थॉट ही क्रिएट करूंगी और पॉजिटिव इमोशन ही क्रिएट करूंगी, इसमें ही मेरी भलाई है। तो अभी हो गया TEAM, एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी देखने का दृष्टिकोण, वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए।
नहीं तो हमने समझो अभी एक ग्लास हाथ में पकड़ा और उसमें पानी भरा, तो कोई क्या बोलेगा, ये आधा ग्लास, कोई कहेगा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा है और कोई कहेगा पूरा भरा हुआ है। हो सकता है ना, तीन लोगों के तीन दृष्टिकोण, ग्लास उतना ही है, पानी उतना ही है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है और कोई कहेगा पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ कैसे होगा, क्योंकि आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है, यानी पूरा भर गया है ना। ऐसे हमारे जीवन में कई घटनाएं होती है, तो उसकी तरफ अगर देखना है तो कौन सी दृष्टिकोण से देखना है, पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना है। समझो मुझे अभी थोड़ी दम लगने लगा, थोड़ा सा सांस फूलने लगी और मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं ये आपको ना माइल्ड अटैक आया है, तो मैंने रोते बैठना चाहिए क्या, फिर अरे बाप रे मुझे हार्ट अटैक आया, ऐसे में कोलैप्स होके रोते बैठी, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, ऐसा करना चाहिए, ये क्या हो गया निगेटिव। और ठीक है यानी मुझे हार्ट अटैक आया, अभी मुझे प्रिकॉशन लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए, ये हो गया पॉजिटिव यानी आधा भरा हुआ। और निराश होना, कोलैप्स होना, उदास होना हो गया आधा ग्लास खाली, हो गया खाली यानी आधा खाली है, ये हो गया दूसरा जो हमने सोचा कि ठीक है मुझे माइल्ड अटैक आया है, मुझे अभी रेस्ट तो लेनी है, दवा भी लेनी है, डॉक्टर जैसा बोल रहे वैसे तो करना है, ये हो गया आधा भरा हुआ। और पूरा भरा हुआ किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, चलो ये तो अच्छा हो गया ना कि बहुत बीमारी बढ़ने के बाद समझ में आई, ऐसा तो नहीं हुआ ना, छोटे में मुझे समझ में आया कि मुझे माइल्ड अटैक आया है ना, तो क्या मैं झट जल्दी 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 दवा लूंगी, जल्दी जल्दी डॉक्टर जो बोलेंगे वो करूंगी और मेरा हार्ट तो हेल्दी है और हेल्दी रहेगा, ऐसे में पॉजिटिव सोचूंगी, यानी ग्लास कैसा पूरा भरा हुआ है, यानी ऐसा हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो टीम में क्या हो गया, TEAM, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड और एम फॉर मेमोरी, एम फॉर मेमोरी। तो मेमोरी कैसी, जो जो स्मृति यानी जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। देखो हमने अगर याद किया कि बचपन में ना मैं ना स्कूटर पर से गिर गई थी, इतना मेरे जोर से पैर को दर्द हुआ था ना, ऐसा याद किया तो क्या हो जाएगा, दर्द आ जाएगा ना, दर्द महसूस होगा ना। अगर मैंने ऐसा देखा कि अरे मैं फिफ्थ में पढ़ रही थी और तभी मेरा फर्स्ट नंबर आया था, मैं गई और मुझे रिपोर्ट मिला, मेरे हाथ में रिपोर्ट था और इतनी खुशी मुझे हो गई, ये घटना मुझे याद आ गई, तो क्या हो गया, खुशी होगी। यानी जैसी स्मृति वैसी स्थिति, कौन सी स्थिति, किसकी स्थिति, मेरे मन की स्थिति, किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे स्मृति के ऊपर डिपेंड है। स्मृति कौन करता है, मैं करती हूं, तो सदा मैंने क्या क्या याद करना चाहिए, मेरे जीवन की अच्छी घटनाएं, पॉजिटिव घटनाएं, यही मुझे याद करना चाहिए। निगेटिव बात याद करना चाहिए क्या, नहीं। बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन में कई पॉजिटिव घटनाएं हुई हैं और बचपन से लेके अभी तक हमारे जीवन में कई निगेटिव घटनाएं भी हुई है, लेकिन हम याद किसको करते हैं, याद किसको करते हैं, निगेटिव को याद करते हैं, पॉजिटिव को याद नहीं करते। जब निगेटिव को याद करते तो स्थिति कैसी बनती, मनस्थिति कैसी बनती, निगेटिव बनती है, क्या बनती, निगेटिव बनती। तो फिर फायदा हुआ क्या, तोटा हुआ, तोटा हुआ। तो स्मृति भी होना चाहिए, मेमोरी भी होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। जब हमारी ये पूरी टीम पॉजिटिव होती है तब हम हेल्दी बन सकते हैं। तो टीम में हमें समझा TEAM, तो चारों भी लेवल पर थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी, चारों भी हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमने आज ये भी जाना, क्या जाना है, कि थॉट्स एंड इमोशंस आर माय ओन क्रिएशन,
मेरे फैक्ट्री का प्रोडक्शन है और मैं खुद ही करती हूं, इसीलिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि मेरे मन में निगेटिव विचार आया तो परिस्थिति को ब्लेम करना या व्यक्ति को ब्लेम करना, नहीं, इन्होंने गुस्सा किया इसीलिए मेरा मन नाराज हो गया, ये केवल स्टिमुलेटर हो सकता है, लेकिन इन्होंने गुस्सा किया ओके, उनका कर्म उनका भाग्य है, मेरा कर्म मेरा भाग्य है, उन्होंने गुस्सा किया तो भी मेरा मन प्रसन्न रहेगा और प्रसन्नता निर्माण करना ये मेरा अपने फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, तो मुझे किस पर ख्याल देना चाहिए, मेरे साथी मेरे ही ख्यालों पर ख्याल रखना चाहिए, मेरे ही सोच विचार पर ख्याल रखना चाहिए। ये सबको समझ में आ गया, टीम पक्की हो गई, तो रोज टीम को याद करना, सुबह उठे बराबर हमने ये चारों भी बातें चेक करनी है, हम चेक करते ना फैक्ट्री अगर हमारी हो तो हम चेक करते ना ये चीज जगह पर है, वो भी जगह पर है, वो भी जगह पर है, वो भी जगह पर है, फिर लॉक लगाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, ऐसे ही हम रोज चेक करें हमारे मन के ये चार ही बातों ये सही है या नहीं, मेरे थॉट्स मेरे विचार पॉजिटिव सदा पॉजिटिव, मेरे इमोशन भाव भावनाएं सदा पॉजिटिव, मेरा एटीट्यूड मेरा दृष्टिकोण सदा पॉजिटिव और मेरी मेमोरी मेरी स्मृति सदा पॉजिटिव रहना चाहिए तो ही हम हेल्दी हो सकते हैं। तो आज का हमारा स्पेशल मंत्र है टीम, TEAM, और TEAM को सदा याद रखना है और रोज उसको चेक करना है, हमारे ख्यालात सदा खूबसूरत हो और जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। चलो मेडिटेशन करें, सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, thank you।
ख्यालों को खूबसूरत करो।